दिन के मुताबिक शहरों में मॉनसून अपना रंग दिखा रहा है। कहीं तेज कहीं हल्की बारिश से नशेबी इलाके जेरे आब आ गए हैं। कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाब का खतरा बढ़ गया है। ठट्ठा में बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के बाएं जमीनी रास्ते मुनकता हो गए। सड़क पर जमा होने वाला पानी सैलाबी मंजर पेश करने लगा। तेज पानी में गाड़ी बह गई। मकामी अफराद ने गाड़ी में सवार ड्राइवर को बचा लिया। सिंधड़ी में आबी गुजरगाह में शिगाफ पड़ने से दर्जनों गोट जेरे आब आने का खतरा पैदा हो गया है। इस्लाम कोट में रात से जारी बारिश से सैलाबी सूरत हाल का खतरा पैदा हो गया। नवाबशाह में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। सांगढ़ में बरसाती पानी से नाले नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मेहड़ और गुम्बट में बादल जम कर बरसे। भिटशाह में निकासी आब का निजाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। कई मकानों की छतें गिर गयी। टंडो आदम के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। टंडो बागों में बारिश के 22 ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक 400 से ज्यादा देहातों और कस्बों की बिजली रात से मुअत्तल है। कारोबारी और तजारती मराकज पानी में डूब गए। सेवन शरीफ और गिरदो नवाह में तेज बारिश से मवासलाती निजाम दरहम बरहम हो गया। दादू के इलाके काचू में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। नई गाज में पानी की सतह 18 फीट तक बरकरार है। 200 से जायद देहात का जमीनी राबता हेडक्वार्टर जोही और दादू से मुनकता हो गया। जोही में बारिश के 22 गाज नदी से सैलाबी पानी का रैला FP बंद से टकरा गया। सैकड़ों देहात का जमीनी राबता मुनकता हो गया। सैलाब से मुतासरा देहातों में खाने पीने की अशिया की किल्लत का खदशा बढ़ गया।